नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का दिनभर का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात रोडवेज के थमते पहियों की करेंगे। हरियाणा रोडवेज के पहिए थमने से आज हरियाणा में आम लोगों को दिन भर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रोडवेज कर्मचारियों ने आज हरियाणा में हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद आज सुबह 4 बजे से ही रोडवेज के पहिए थम गए। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया और हाल ही में रोडवेज कर्मी जगबीर की मौत के मामले में प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की। रोडवेज कर्मी जगबीर की एक थार गाड़ी की टक्कर से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे ने भी सुसाइड कर लिया। इसी मामले में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ आज ये हड़ताल की थी। रोडवेज कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक ये प्रदर्शन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारी जगबीर की मौत के बाद उनके बेटे ने भी पिता की मौत से आहत होकर सुसाइड कर लिया था। बीती रात बेटे की मौत के बाद रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी थार ड्राइवर नहीं पकड़ा जाता तो फिर प्रदर्शन इसी तरह से आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है। पहले एक रोडवेज कर्मचारी की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी जाती है, फिर उसका बेटा पिता के जाने के गम में सुसाइड कर लेता है। इतना होने के बाद भी ना गाड़ी वाला पकड़ा गया, ना पिता और बेटे को इंसाफ मिल पाया। अब इंसाफ का झंडा उठाया है रोडवेज कर्मचारियों ने और इसी का नतीजा है आज हरियाणा रोडवेज का ये चक्का जाम। पूरा मामला ये है कि बीते दिनों कुंडली बॉर्डर के पास जगबीर नाम के एक रोडवेज कर्मी की मौत हो गई थी। एक थार गाड़ी के ड्राइवर ने जगबीर को टक्कर मार दी थी, जिसमें जगबीर की मौत हो गई। हादसे के बाद जगबीर के बेटे ने भी पिता के जाने के गम में जहर खा लिया, जिसमें उसकी भी जान चली गई। इस मामले में आरोपी थार ड्राइवर को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अब रोडवेज कर्मचारी इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग में आज चक्का जाम किया जा रहा है। हरियाणा के करीब करीब हर जिले में आज रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया है। इसमें दादरी, पंचकुला, रेवाड़ी, हिसार, सोनीपत, नारनौल, जींद और तमाम अन्य जिले शामिल हैं और कर्मचारी जल्द से जल्द जगबीर और उनके बेटे को न्याय दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जो हमारा एक दिल्ली डिपो का चालक साथी था, वो एक सोनीपत डिपो की गाड़ी में अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, तो एक कुंडली बॉर्डर पर अज्ञात ठार में जो व्यक्ति था, उन्होंने उसकी बिल्कुल एक निर्मम तरीके से बोल सकते हैं कि उस पर ठार गाड़ी चढ़ा दी। और आपके चैनल से हम उसकी निंदा भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम किया गया है? हाँ जी, पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम है और जो हमारी यहाँ से जो बसें संचालित थी, जैसे अदर स्टेटों में जाती है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, आज कोई भी बस उधर आउट ऑफ स्टेट नहीं गई, सभी बिल्कुल कम्प्लीटली जो चक्का जाम है यही है और पूरे प्रदेश का चक्का जाम है। आज सुबह करीब 4 बजे से ही हरियाणा में रोडवेज का चक्का जाम रहा है। रोडवेज के पहिए थमने से आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि उनके सहकर्मी को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हम जींद की बात करें तो जींद रोडवेज के अंदर आज हमारी लगभग पहली गाड़ी 4:30 बजे निकलती थी और जो यो हमारा साथी चालक जो साथी था, वो थार गाड़ी वाला ने उसके साथ जो घटना घटी है, उसको एक्सपायर हो गया, उसको जानबूझ के उन्होंने मार दिया। उसके विरोध में कर्मचारी साथियों की आज किसी एक यूनियन के नेता ने या किसी प्रधान ने बताने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले टेम वाले ही साथी थे, लेकिन लास्ट तक के जो अब तक के टेम आए, सभी साथियों की ये सोच रही, ये मनसा रही कि मैं हमारे साथ जो चालक था, जो हमारा बस में बैठ के जा रहा था दिल्ली, वो बस से सोनीपत से जयपुर जा रही थी और जयपुर वाली गाड़ी जो किलोमीटर स्कीम की थी, उसके अंदर जो बैठा था रोडवेज का चालक था, वो थार गाड़ी वाला बार बार उसकी साइड दबा रहा था और उसको आगे बढ़ने से रोक रहा था। वो तो साथी ने उसके लिए कहा भाई तू साइड हमारे को दे दे, और इतना कहने का मौका भी दिया। वो चालक और वो जो साथी बैठा था गाड़ी के अंदर उतरे थे, उन्हें पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। साथी परिचालक ने तो थोड़ा सा धक्का
किसी तरह हाथ लग गए उसके गाड़ी का, वो साइड में मतलब हो गया चोट तो उसको भी लगी गंभीर, लेकिन चालक को ऊपर पहिया निकल गया और वो जिस मौके पर मौत हो गया। हालांकि कर्मचारियों का दावा है कि पुलिस ने पहले 24 घंटों के अंदर आरोपी को पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं बीती रात जगबीर के बेटे के सुसाइड के बाद कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया और इसी के बाद आज रोडवेज का चक्का जाम करने का फैसला ले लिया गया। तो अभी सूचना मिली थी संदीप सनोप जगबीर सलीम से गांव का रहने वाला है और सुसाइड कर लिया गया, जो सूचना पाकर यहां मुख्य अस्पताल पहुंचे हैं। चालक का बेटा है तो हाँ, जो कल चालक एक्सपायर हुआ था उसमें जो मुकदमा कर रखा है उसी का बेटा है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच को और तेज कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं कर्मचारियों की चेतावनी है कि न्याय मिलने तक प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस बीच रोडवेज के पहिए थमने से आम लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। ब्यूरो इनपुट पीटीसी न्यूज हरियाणा। और हरियाणा में रोडवेज कर्मियों के प्रदर्शन की दो और तस्वीरें आपको फतेहाबाद और पंचकुला की अब दिखाते हैं। यहां भी रोडवेज की रफ्तार आज थमती नजर आई और रोडवेज के कर्मचारियों ने जगबीर की मौत के जिम्मेदार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि जगबीर की मौत के जिम्मेदार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 24 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आने वाले दिनों में भी ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा।